पटियाला की सब्जी मंडी में रविवार सुबह 4 से 5 निहंग वेशधारियों ने कर्फ्यू पास पूछने पर पुलिस पर हमला कर दिया था। वो स्थानीय गुरुद्वारे में जाकर छिप गए। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धू ने कमान संभाली और पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो को बुलाया, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। प्लान के तहत एसएसपी गुरुद्वारे के पास बने अकाल अकेडमी स्कूल की छत पर चढ़ गए और उन्होंने लाउडस्पीकर से गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए मुखी बाबा बलविंदर सिंह से बातचीत की। इस दौरान बाबा ने कई बार एसएसपी को गालियां दी, लेकिन एसएसपी ने कुछ नहीं बोला और करीब 30 मिनट तक एसएसपी और बाबा के बीच बातचीत हुई। बाबा जी गुरु घर दे विच बदवाना नहीं देवियां लोकां नूं, ना असीं बेनतियां करन आए, तुसीं गुरुद्वारे खड़ के सानूं बदवाना देई जांदे हो। बाबा जी असीं तां गुरु घर दे विच मिन्नतां करनियां, बीमारी नूं रोको। ओहो ते तुसी आपा गलत कर लिए, मैं कितों बीमारी फैलाउण वास्ते आया, मैं तुहाडियां मिन्नतां करन आया। नहीं असीं टक्कर नहीं लैंदे गे, असीं तुहाडे निहंग सिंघां नाल थोड़ी टक्कर लै सकदे। असीं एसएसपी ने बाबा को बातों में उलझाए रखा और इसी बीच कमांडो और पुलिस ने गुरुद्वारे को पीछे से घेर लिया। सिख मर्यादाओं का पालन करते हुए कमांडो गुरुद्वारे में प्रवेश कर गए, जिसके बाद निहंगों को काबू कर लिया गया। 3 तलवारों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक उन कथित निहंगों को कई बार आत्मसमर्पण करने की अपील की थी, लेकिन इसके बदले में निहंगों ने पुलिस पर 3 फायर किए थे। आपको बता दें कि डेरे में से 2 रिवॉल्वर, 4 पेट्रोल बम, कई कृपाणे, हथियार, भुक्की, पोस्ट और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। न्यूज़ डेस्क।